कर्मफलदाता शक्तिशाली शनि महाराज। 2023 की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी से शनि की चाल में बदलाव। 30 साल बाद कुंभ में शनि का प्रवेश। शनि की दृष्टि कहां लाभ हानि पहुंचाएगी? आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या कुछ देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा हूँ। मेरे साथ आचार्य वेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। साल की शुरुआत में ही न्यायाधीश दंडाधिकारी शनि देव का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें कि हर 2.5 वर्ष बाद शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं और इस बार 17 जनवरी को शनि मकर यानी कि अपनी ही राशि अपनी दूसरी राशि कुंभ में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो देखिए, ये एक लंबा समय यानी कि आने वाले 2.5 वर्ष जब शनि अपनी कुंभ राशि में रहेंगे और ऐसे में कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? जी हाँ, आपको बताएंगे कि शनि की दृष्टि इन 2.5 वर्षों में कहाँ कहाँ आपके जीवन पे पड़ेगी और वहाँ कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगी और जहाँ बैठे हैं शनि देव वहाँ कैसा परिणाम देगी। तो आइए महेंद्र जी से जान लेते हैं शनि की कृपा से आपके आने वाले 2.5 वर्ष कैसे बीतेंगे। सबसे पहले शनि की दृष्टि क्या कहती है जानते हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए कन्या राशि वालों के शनि पंचम से निकल के छठे भाव में आएंगे और गोचर में कहा गया कि शनि देव जब जब तीसरे छठे या 11वें भाव में आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो मेरे हिसाब से शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आएंगे तो कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत रहेगी और अभी इनके बृहस्पति भी बहुत शुभ चल रहे हैं और शनि भी शुभ हो रहे हैं साल की शुरुआत में, तो कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। और शनि की जो दृष्टि है, शनि की देखिए तीसरी दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि पड़ती है, यानी कि शनि जिस भाव में बैठे हों आपकी कुंडली में या गोचर में तो इन तीन भाव को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे और जहाँ बैठते हैं वहाँ का तो फल देंगे नहीं, यानी कि 4 भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये परिस्थिति रहेगी, शनि तीसरी दृष्टि से आपके आयु को प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, 7वीं दृष्टि से खर्च की वृद्धि करते हैं, यानी कि 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है और पराक्रम भाव पर जब शनि की दृष्टि रहेगी तो पराक्रम की वृद्धि होती है। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। देखिए जब रोग भी कटेंगे, ऋण भी हटेगा, शत्रु भी मिट जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि उल्टा लाभ मिलना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर शनि की स्थिति 6ठे भाव में बहुत ही उत्तम कही गई है। चलिए मेघ जी, ये तो आपने शनि की दृष्टि के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव आपको कितना सेहतमंद बना के रखेंगे, बताइए। देखिए 2.5 वर्षों में आपकी सेहत जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। 6ठे भाव में जब शनि होते हैं तो हमें कहना चाहिए पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा यहाँ आपको, और किसी भी तरह का कोई अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, लेकिन इनका शनि की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, राहु 8ठम भाव पर है, तो यहाँ पर राहु के कारण आपको पेट संबंधी रोग जो है थोड़े से जरूर परेशान करेंगे, लेकिन शनि के कारण कोई भी ग्रह स्थिति आपकी खराब नहीं है, यानी कि 6ठे भाव में शनि का आना अब रोग से आपको मुक्ति दिलाएगा, यानी राहु के दुष्प्रभाव को भी कम करेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी तो हर काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। चलिए मैं जी, ये तो आपने की सेहत के बारे में बताया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्या लगता है ना इन आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या इनके संबंधों में इनके अपने जीवन साथी के साथ, इनके अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कैसा संबंध बनाकर किस तरह की तालमेल इनके रिश्तों में अब देखने को मिलेगी? देखिए इनके जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है, वैवाहिक जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है और बीच में बृहस्पति है, यानी कि हम कहते हैं कि जब भी कोई शुभ ग्रह या कोई शुभ भाव दो पापी ग्रहों के बीच में फंसता है तो पाप कर्त्री दोष लग जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो तब तक 22 अप्रैल तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद से लेकर यहाँ पर ये भाव खाली हो जाएगा, एक तरफ शनि एक तरफ राहु, यानी कि केंद्रीय प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा रहेगा 7ठम भाव पर। तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान क्या रहेगा, जीवन साथी के साथ छोटे मोटे मनमुटाव संभव है,
या जीवन साथी की सेहत कुछ ठीक नहीं रहेगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा कन्या राशि वालों। यहाँ पे यानी कि संबंधों के मामले में देखिए थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा इस आने वाले 2.5 वर्षों तक। लेकिन क्या इसी तरह आपका काम कारोबार जो आपका कार्य क्षेत्र कहता है क्या वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है? जी हाँ, किस तरह से शनिदेव आपके काम कारोबार को चलाएंगे? नौकरी में है, खुद का बिजनेस है, ये आप सोच रहे हैं कि भाई साल की शुरुआत में यानी कि शनि की बदलती चाल में कुछ अपना कुछ धंधा वंदा किया जाए, क्या लगता है मैं जी सही समय इन लोगों के लिए? देखिए परफेक्ट टाइम है, अगर आपको शुभ दशा चल रही है और आपकी कन्या राशि है तो गोचर शनि का आपके पक्ष में है, धन लाभ देगा, नए कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा, व्यवसाय में भी अच्छा करेंगे। और नौकरी अगर परिवर्तन करना चाहते हैं या बेरोजगार हैं तो नव वर्ष में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, बहुत ही अच्छी नौकरी कन्या राशि वालों को प्राप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर शनि का गोचर कार्य व्यवसाय नौकरी के लिए आपको लाभ ही लाभ देता हुआ नज़र आ रहा है। और किसी भी तरह के अगर कोई रिलेशन आपके दफ्तर में ख़राब हुए हैं अपने सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, उसमें भी शनिदेव यहाँ सुधार करेंगे। चलिए तो आपने बताया कि काम कारोबार को लेकर, अब बात कर लेते हैं आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है। जी हाँ, इन 2.5 वर्षों में शनि राजा से रंग रंग से राजा बनाने वाले आपको कितना धनवान बनाकर जाएंगे जान? देखिए धन लाभ की स्थिति में शनि छठे भाव में क्या ना रोग को मिटाते हैं, ऋण खत्म होगा, तो यहाँ विपरीत राजयोग से आपको उल्टा जबरदस्त धन लाभ होगा, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग जो कहीं निवेश करते हैं पैसा तो वहां से एकदम से अचानक से धन लाभ होने के आपके योग बन जाएंगे, काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी इस समय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत आपके लिए बहुत अच्छा है, धन लाभ के योग बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन शनि खर्च भाव को भी देख रहे हैं तो ये खर्च भी हो सकता है, किस पर खर्च हो सकता है, आप सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं जी। और सूर्य की राशि पर शनि खर्च को बढ़ा रहे हैं तो आपके पिताजी या दादाजी की सेहत पर भी कुछ पैसा खर्च हो सकता है। तो यहाँ खर्च भी नियमित बना के चलते हैं शनि, लेकिन लाभ भी खर्च से ज्यादा देते हैं, ये खासियत है। यानी कि धन लाभ होगा लेकिन खर्चे भी अब रुकने वाले उतने नहीं है। मैं जी अब तक हमने बात की कि हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या लगता है शनि की दृष्टि को देखते हुए एक छोटी सी सलाह अगर आप इन्हें देना चाहें आने वाले 2.5 वर्षों तक जो ये याद रखें? देखिए इस समय आपको क्या करना है कि फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, खासकर भोग विलासता मर्द उसमें फिजूल खर्ची से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या करें, आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा मधुरता बनाए रखें। वैसे कन्या राशि वाले बहुत समझदार होते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ शनि और राहु की स्थिति थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में जो है कहीं ना कहीं कमी ही करती है, तो उस चीज़ को आपको प्रयास करना है कि कहीं ना कहीं परिवार और जीवन साथी को भी समय देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, बहुत अच्छा ये रहेगा। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कन्या राशि वालों, उस चीज़ से आपको इस समय बचना चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी सलाह रहेगी। अब शनि की राहु पर दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिन लोगों को पेट संबंधी रोग या आंतों के रोग रहते हैं उनको समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो थोड़ा सा इस मामले में पेट के जो रोगी हैं उनको थोड़ा सा सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। मैं जी जाते जाते शनि से संबंधित उपाय, देखिए शनि से संबंधित उपाय आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन आप काले तिल लीजिए, 250 ग्राम आपको काले तिल लेकर उनको काले कपड़े में बांधकर नदी में बहा दें प्रत्येक शनिवार को, ये बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो उसको खाना खिलाएं, काला कंबल, काले वस्त्र, काली शर्ट दान दें, तो निश्चित रूप से शुभ लाभ आपको मिलेगा। चलिए ये थे वैसे मैं जी जिनसे मैंने जाना कि कन्या राशि वालों के लिए शनि के आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।